सरेआम ये हवाई फायरिंग करते थे, बिलिंग करते थे, खवातीन से छेड़खानी, उलटबाजी, जो इनका एक मशगला होता है। ये ग्रुप जा रहा था हवाई फायरिंग करते हुए तो किसी राहगीर बच्चे को इन्होंने फायर मार दी, बच्चा एक्सपायर हो गया। तीन फायर हवा में किए हैं, उसके बाद गोली अड़ी है और गोली निकालते हुए मैगजीन डाली है, गोली चली है, एक्सीडेंटली बिलाल को लगी है। ये उस वक्त फायर मुझे लगा था तो इस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं फिर खुद ही कबूल किया था, लेकिन गोली मैंने खुद नहीं मारी थी, उसी वक्त गिरते हुए मुझे लगी। बयान मैंने यही दिया था कि बिलाल को और मुझे जाते हुए किसी ने ग्रुप में से मार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNN न्यूज़ और मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, गुज़िश्ता 4 रोज़ पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी कि वन व्हीलर्स का एक गैंग जा रहा है और वो हवाई फायरिंग करते हैं, जिस वक्त हवाई फायरिंग करने के बाद मोटरसाइकिल थोड़ी आगे लेके जाते हैं तो उसी के पिस्टल से उसकी बाइक चलाने वाला साथी जो है उसके दिमाग में गोली लगती है और वो मौके पे जां बहक हो जाता है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पे बहुत चर्चे हुए और उसके बाद उसी रात को शालीमार पुलिस स्टेशन ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद इनको थाने लेके आया गया और जिसकी तफ्तीश का प्रोसेस अभी जारी है, जिसमें शालीमार पुलिस स्टेशन की टीम ने जहां फिशानी से काम किया मुल्ज़िमान को रिकवर किया। आइए आपके इन मुल्ज़िमान से बात करवाते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त वो मुल्ज़िम हमारे साथ मौजूद है और वो जो सारा वाक़ा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हुआ था वो आपने देखा था। इस मुल्ज़िम की गोली उस बंदे को लगी और बाकी सारी जो डिटेल है वो आप इसी से पूछ लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? मलिक ज़ुहैब। ज़ुहैब कहाँ रहते हो? मदीना कॉलोनी। क्या काम करते हो? स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास? BSCS लास्ट सेमेस्टर। मतलब स्टूडेंट हो? जी मास्टर। तो ये जो क्या वाकया हुआ, इससे पहले तुम 4 फायर करते हो एक ब्रिज के नीचे, पुल के नीचे, तुम्हें पहले तो वो नहीं डर लगा कि शायद वही गोली वापस आके लग जाए और उसके बाद बाइक चलती है और तुम्हारा उसके दिमाग में फायर लगता है, ये क्या वाकया हुआ? 3 फायर हवा में किए हैं, उसके बाद गोली अड़ी है और गोली निकालते हुए मैगजीन डाली है, गोली निकाली भी नहीं थी अभी, मैगजीन डाल के दोबारा अंदर डाली थी और अचानक से गोली चली है, एक्सीडेंटली बिलाल को लगी है और उसके सर में लगी। जो आपके साथ था उसका नाम बिलाल है? जी उसका नाम बिलाल है। कौन आपका दोस्त था? जी मेरा दोस्त था वो। तो मतलब क्या कहा जाएगा कि ये एक्सीडेंटली गोली लगी है या क्या थी? जी एक्सीडेंटली गोली लगी है, SP साहब ने भी बयान दिया है, सब जिन्होंने भी वीडियो देखी है आपने भी देखी होगी, सबको पता है किस तरह गलती से मिस्टेक हुई है। तो क्या पिस्टल में गोली फंस गई थी या तुमने दोबारा जो मैगजीन डाला उसमें प्रॉब्लम लगी? पिस्टल में गोली फंस गई थी। उसको निकाल रहे थे? मैं निकाली नहीं थी, अभी मैगजीन डाली थी और वो चल गई ऑटोमेटिकली, खुद ही चली है। ज़ुहैब, क्या आप इस पे शर्मिंदा हो कि इतना बड़ा काम हो गया, एक बंदे की जान चली गई और आप जो है वो पूरी दुनिया ने आपका वो वीडियो क्लिप वायरल देखा, तो क्या कहोगे? जी बिल्कुल, बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से मेरे दोस्त की जान चली गई, मेरा दोस्त था, भाइयों जैसा था, बहुत अफसोस है मुझे अपनी गलती पर। मैं मानता हूँ अपनी गलती, मैं खुद पुलिस के हवाले हुआ, खुद सारा कुछ मैंने बताया पुलिस को। खुद पेश हुआ? जी मैं खुद पेश हुआ। तो वो जो बिलाल है वो आपके घर के करीब ही रहता है? जी वो मेरे घर के करीब रहता है। तो क्या उसके घर वालों से आपकी बात हुई? तो क्या बात? उसके घर वालों से अभी तक बात नहीं हुई, अभी इंटरव्यू वगैरह जो होते हैं इनके ज़रिए मैं उनसे माफ़ी मांगी है, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ उनसे, जाहिर सी बात है मुझसे गलती हुई है और छोटी गलती नहीं बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। आप लोग स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो वन व्हीलिंग भी करता है? स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं है वो, उसमें इक्का दुक्का स्टूडेंट होते हैं मेरी तरह, बाकी सब कामकार वाले होते हैं, वो बस ग्रुप तो निकल। प्रोफेशनल वन व्हीलर? प्रोफेशनल वन व्हीलर्स भी नहीं, 3-4 वन व्हीलर होते हैं, बाकी 40-50 लड़कों का ग्रुप वैसे ही साथ होता है। तो गोली चलाई क्यों वैसे, क्या आपके दिल में एकदम आया कि आपने फायरिंग की? बस यही मिस्टेक, गलत शौक थे जो के सामने आए हैं। और मुझे ये बताओ कि 45 पता नहीं किंग 45 के किस ग्रुप का नाम क्या रखा वन व्हीलर? पार्टनर 324। पार्टनर 324 ये ग्रुप का नाम है, इसमें कितने मेंबर्स हैं? 50-60 मेंबर्स हैं। तो बाकी जो मेंबर्स हैं क्या वारदातें भी करते हैं? नहीं नहीं, वारदातें नहीं करते हैं, बस निकलते हैं संडे वाले दिन या किसी ईद के मौके पर निकलना, राउंड निकालना, बस यही है। मैं दूसरी दफ़ा गया हूँ। जी तो वो पिस्टल आपका पुलिस ने रिकवर? जी पुलिस ने रिकवर कर लिया। उसको बिलाल को दफना दिया गया? जी बिलाल को दफना दिया गया। दुख है आपको अपने दोस्त की मौत पर?
जाहिर सी बात है मेरा दोस्त था, मेरे साथ खाता पीता था, उठता बैठता था, मुझे इंतहाई दुख है, बहुत अफसोस है मुझे, मेरी ही गलती की वजह से वो चला गया। ये जो वीडियो वायरल हुई है ये किसने बनाई? ये साथ लड़का था हरून, उसने बनाई थी। और उसके बाद पता चला है कि तुमने अपनी बाजू पे खुद फायर मार लिया कि ये एक वकूआ बनाया जाए ताकि किसी को पता ना चल सके कि मेरे हाथ से गोली है। नहीं, खुद नहीं मारा था, मौके पर ही मुझे भी लगा था जब गिरे थे, क्योंकि पिस्टल ऑटोमेटिक हुआ था, जिस तरह बिलाल को लगी उसी तरह अचानक मुझे भी लगी थी। सुहेब, पुलिस का तो कहना है कि सुहेब ने अपने आप को खुद फायर मारा और उसके बाद जो है इस मामले को ये रंग देने की कोशिश की गई कि हमें कोई और मारने के लिए आया। ये उस वक्त फायर मुझे लगा था तो इस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं फिर खुद ही कबूल किया था, लेकिन गोली मैंने खुद नहीं मारी थी, उसी वक्त गिरते हुए मुझे लगी थी। अच्छा, उस वक्त गिरते हुए लगी थी। इसके बाद आपने बयान क्या दिया कि ये गोली हमें मुझे भी किसी ने मारी? बयान ये दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने सही बयान दे दिया। क्या बयान दिया था बताएं? बयान मैंने यही दिया था कि बिलाल को और मुझे जाते हुए किसी ने ग्रुप में से मारी है गोली। उसके बाद मैंने तशवीश के बाद सारा कुछ मैंने बयान दिया था कि मेरी ही गोली लगी है। वीडियो आने से पहले मैंने सब कुछ सच बता दिया था, वीडियो आने के बाद मजीद क्लियर हो गया। वीडियो पुलिस के हाथ कैसे आ गया? बिलाल के मोबाइल में वीडियो बनी थी, जो बिलाल का मोबाइल पुलिस के हाथ आया और उन्होंने सारा चेक किया। जी, बिलाल ने खुद हरून को दिया था वीडियो बनाने के लिए, और हरून को जब पकड़ा तो उसके पास मोबाइल था, उस मोबाइल से वीडियो रिकवर हुई है। मोबाइल से वीडियो रिकवर है। नाज़रीन, ये ज़ुहेब है और ज़ुहेब का कहना है कि अचानक से एक्सीडेंटली जो है वो गोली लगी, जिसकी वजह से मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं उस बिलाल को गोली मारता, तो जिसकी वजह से ये सारा मामला पेश आया। और पुलिस के मुताबिक ये जो इनकी बाजू पे आप पट्टी देख रहे हैं, ये भी बिलाल ने ख़ुद को फायर मारा और इसको रंग देने की ज़ुहेब ने कोशिश की कि हमें किसी तीसरे बंदे ने आके, ग्रुप के किसी बंदे ने फायर मारा, जबकि पुलिस ने शामो शाम कार्रवाई करके इनको पकड़ा, इनको गिरफ्तार किया और वो आला कत्ल भी बरामद किया गया और सारी तफ्तीश जो है वो बिल्कुल सामने रखी। इसमें SHO शालीमार और उनकी टीम ने बहुत जान फिशानी से काम किया और इस पूरे ग्रुप का कवर किया। जी, इसी सारे वकूए को देखते हुए SHO शालीमार के पास इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जिन्होंने सारे वकूए को देखा और इन मुलजमान को उस रात 1 बजे तक रिकवर किया, उनसे जो जो चीज़ इस्तेमाल असला जो इस्तेमाल किया गया वो भी किया, बाकी जो और लोग इस गैंग में शामिल थे उनको भी पकड़ा और ये गैंग क्या एक्टिविटीज़ करता आ रहा है, क्या कर रहा था, इनसे जानते हैं। सर, सामने। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बड़ी एक अच्छी खबर है कि आपने उसी रात इन लोगों को रिकवर किया और सोशल मीडिया और मीडिया पर आप बहुत ज़्यादा वायरल हैं इस वक्त, तो क्या बताएँगे ये क्या ग्रुप है, क्या ये कोई गैंगस्टर हैं या कोई वन व्हीलर हैं जो हवाई फायरिंग सरेआम सड़कों पर कर रहे थे, क्या पता है? ये जी वन व्हीलर्स का एक ग्रुप था, पार्टनर 324 के नाम से। ये 15-20 लोग इधर के थे, 15-20 बाइक्स बाहर से आती थी। जमान राजपूत जो इस मुकदमे में नामजद मुलजम है, वो इस सारे ग्रुप का ऑर्गेनाइजर था। इनको इकट्ठा वो करता था एक जगह पे, वहाँ से लेके फिर ये निकलते थे सड़कों पर, सरेआम ये हवाई फायरिंग करते थे, व्हीलिंग करते थे, खवातीन से छेड़खानी, उलटबाजी, जो इनका एक मशगला होता है ये वन व्हीलर्स ग्रुप का, तो ये इनकी आदत थी। इसी तरह ये GT रोड पे करते हुए, तो उस दिन जो मतलब जा रहे थे तो हमें 15 की कॉल मौसूल होती है जी कि शाम 6 बजे के जी ये ग्रुप जा रहा था हवाई फायरिंग करते हुए, तो किसी राहगीर बच्चे को ना इन्होंने फायर मार दिया, बच्चा एक्सपायर हो गया। वाकई की इतला पाती मैं और मुतलका हमारे DSP साहब, SP सिविल लाइन्स मौके पर पहुँचते हैं, चेक करते हैं तो वो बिलाल जो मकतूल है ना वो खून में लथपथ पड़ा होता है, उसको शालामार हॉस्पिटल हम प्राइवेटली रेस्क्यू करते हैं, पहुँचाते हैं वहाँ पर। तो इसी दौरान एक और 15 कॉल होती है जी कि मुझे भी किसी ने फायर मार दिया विद इंटेंशन टू मर्डर। फिर ये सामने आता है, ये कहता है जी कि मैं और बिलाल एक बाइक पे थे, हम इसी ग्रुप के मतलब वो उसमें जा रहे थे साथ, तो हमें किसी नामालूम ने फायर मार दिया। वो फायर जो होता है ना, वो इसका सेल्फ जनरेटेड फायर होता है, बड़ा कनिंग माइंड आदमी है। इसने कहा कि मैं खुद को मुकदमे का मुदई बनाने के लिए, इसको कोर्ट ख्वाजा से हॉस्पिटल लेके जाते हैं, मेडिकेशन करवाते हैं। फिर ये बयान देता है जी कि हमें फलां बंदे ने फायर मार दिया, पहले ना मालूम, फिर हम थोड़ा सस्पिशियस होते हैं कि इसको इंटरोगेट करना चाहिए। यासिर उर्फ डोना जो शरीक मुलजिम है उसको हम पूछते हैं, वो कहता है जी कि असल में बात यह है कि फायरिंग यही कर रहा था ज़ुहेब और इसी की गोली बिलाल को लगी। लेकिन हम फिर CCTV फुटेज चेक करना शुरू करते हैं कि असल मामला है क्या, हुआ कैसे, गोली तो ज़ाहिर है जान तो हुए कि शाम को ही सारी कार्रवाई आपने सारी टोटल जी विद इन 4 to 5 hours हमने उसमें अल्लाह के करम से फजल से वर्किंग की है। हमारे DSP साहब अली अब्बास साहब, उनका माशाल्लाह CIA का तजर्बा है 10 साल का, तो वो मेरे बड़े काम आया। तो वो चेक करते हैं तो फिर हमें यासिर कहता है जी कि उस सारे जो इंसिडेंट हुआ है ना उसकी फुटेज बन रही थी बिलाल के मोबाइल में, जो मकतूल है, जो मकतूल है उसके मोबाइल से ही फुटेज जो वायरल हुई है वो बन रही, उसके मोबाइल में बन रही थी, पीछे किसी लड़के का मोबाइल, हारून को,
हारून ने मोबाइल वहाँ से गायब कर दिया था, हारून खुद भी जो है वो अंडर कवर हो गया था। हमने रात को 12-1 बजे करीब हारून को राउंड अप किया, पकड़ा उसको, तो उससे मोबाइल रिकवर हुआ, उस मोबाइल में ये वीडियो मार रही थी। जब वीडियो हमारे सामने आ गई तो फिर हमें हर चीज़ क्लियर हो गई। फिर इसके जो बिलाल के जो वालिद अल्लाह रखा, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में वादा कहा जी कि ये 15-20 लोग बिलाल को लेके गए हैं घर से, और मैं नहीं मानता कि ये मतलब एक्सीडेंटल, उन्होंने कहा विद इंटेंशन टू मर्डर, इन्होंने मेरे बेटे के सर में गोली मार के कत्ल कर दिया। बिलाल के वालिदैन अभी भी कहते हैं कि इन्होंने मतलब कि जान की, बिल्कुल बिल्कुल यही कहते हैं कि इनकी इंटेंशन ही उसको, वही मुदई, बिलाल के वालिद मुदई। क्या इनके अब क्या कार्रवाई होगी असद भाई? ये जी इन पे एट अ स्टेप तो हमने 302-34 जो है वो कार्रवाई कर दी है इसके कत्ल के, इनकी कॉमन इंटेंशन और मर्डर, अब बाकी चीज़ें आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो है वो फिर। ये अकेला मुलजम है कि इसके साथ और शरीक मुलजम है? इसके 3-6 नामजद हैं, टोटल 4 अरेस्टेड हैं, अब बल्कि 5 अरेस्टेड हैं और एक जो है वो अभी इंटरिम पे। क्या पैगाम देना चाहेंगे इन वन व्हीलर्स को और रोड्स पे जो हवाई फायरिंग करते हैं, क्या पैगाम दें? सबसे पहले तो मेरी इनसे ज़्यादा हम्बल सबमिशन इनके पेरेंट्स से है कि आपको पता है आपका बच्चा क्या करता है, उसकी बाइक का स्टाइल, मरगाड वगैरह, व्हीलर्स की बाइक के स्टाइल मुख्तलिफ होते हैं, उनको सब पता होता है, तो उनसे हम्बल सबमिशन है कि हमसे ज़्यादा वो नज़र रखें। हमने तो अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे, अगर ज़्यादा गहरी नज़र उनकी होती तो शायद ये इंसिडेंट होता ही ना। हम तो जो भी है पुलिस अपने विद इन द रिसोर्सेज रह के काम करती है और करेगी इंशाल्लाह, लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी बनती है, जिनके घरों में ये रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जागते हैं, उनको पता नहीं है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि उन पर खास नज़र रखें। बिल्कुल, अपने वालदैन को, वन व्हीलर्स के वालदैन को ख्याल करना चाहिए कि अपनी औलाद की एक्टिविटी को चेक करें कि वो क्या कर रहा है, वो किन हरकत में मुलविस पाया जा रहा है, उसके दोस्तों की क्या हरकतें हैं, वो किन चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहा है। ख़ास तौर पे पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी औलाद पे नज़र रखना। पुलिस का भी यही कहना है, पुलिस के आला अफसरान जो हैं वो हर रोज़ टीवी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू पैगाम दे रहे होते हैं उन पेरेंट्स को, उन वन व्हीलर्स को, कि ये ख़तरनाक खेल है, अपनी जान बचाओ, इससे बचो। हेलमेट का भी ऐलान इसीलिए किया गया है कि हेलमेट पहनो, मतलब वन व्हीलर्स एक ख़तरनाक खेल से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हमारी दुआ है कि वन व्हीलर्स जो हैं वो, उनको अल्लाह पाक हिदायत दे और वो इन चीज़ों से दूर रहें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।